सभी मुद्दे हमारे पास आ गए, लेकिन जनता का मन क्या कहता है ये बाद में ही पता चलेगा। अब आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर सियासी समीकरण, जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार दम दिखा रही है। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट पर बसपा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार यहां से बसपा ने अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि दो बार बसपा के लिए जीत का परचम बुलंद करने वाले शाह आलम इस बार AIMIM से ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने परवीन बानो को मैदान में उतारा है, तो भाजपा की तरफ से सगड़ी के पूर्व प्रत्याशी अरविंद जायसवाल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी है, हालांकि नतीजे क्या रहेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुबारकपुर के मतदाता बेरोजगारी, विकास और सरकारी योजनाओं के मुद्दे पर अपनी वोट शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ABP गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी की रिपोर्ट। तो पार्टियों का ये गुड़ा भाग ही है जो सब कुछ बयां करता है, बताता है कि किस सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन जनता के बीच पहुंचे ये उम्मीदवार, ये प्रत्याशी और पार्टियों की जो अपील है वो कितनी काम कर गई ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। हालांकि कल आजमगढ़ की इस मुबारकपुर सीट पर जब सियासी समीकरण समझते हुए जनता वोट करेगी, तब देखना होगा कि ईवीएम में कहां पर कौन सा बटन है जिसे जनता दबाने वाली है, और वो हमें पता चल जाएगा 10 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि सभी पार्टियों ने जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस चुनाव प्रचार में, जनता तक कितनी बातें पहुंची। अब चलिए आप पहुंचेंगे दीपक के पास। बिल्कुल 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 अनु, देखिए आजमगढ़ की सारी सीटें जो है वो बहुत अहम है। ग्राउंड पर लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां से खुर्रम नोमानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। खुर्रम बताइए, वहां के लोगों का मन क्या बन रहा है चुनाव को लेकर? बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, तमाम प्रचार प्रसार का दौर, हर एक दौर हमने दिखाया है दर्शकों को, अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं जल्दी से बताइए। देखिए आजमगढ़ का हाल मैं बताऊंगा, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुत ही कांटे की टक्कर, ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर है, कुछ सीटों पर भाजपा सपा और टक्कर है। इस वक्त हम गोपालपुर सीट पर हैं, ये एक महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ ज्यादातर ये सीट समाजवादी पार्टी के रही पास रही है, लेकिन इस बार इस सीट पर भाजपा ने एक नया प्रत्याशी उतारा और बसपा ने भी नया उतारा है, इसलिए यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय देखा जा रहा है। मेरे यहाँ पर मौजूद है कुछ लोग, आखिर ये बताइए गोपालपुर में क्या होगा? तेज बोलिए। आप क्या कहेंगे थोड़ा तेज बताइए। यही कहेंगे कि BSP को सारी जनता जिताए और हम लोग भी BSP के जो है सपोर्टर हैं। क्यों सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास रहे तो क्यों BSP को जिताए? समाजवादी पार्टी की थी, किसी की ये बसंती नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने बहुत गलत किया है हमारे स्वर्गीय वसीम साहब। ठीक है, ये आप देखिए दीपक, आप देखिए यहाँ पर जो हालात हैं, ज्यादातर लोग बसपा, लेकिन यहाँ मैं साफ करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और जनता